तो चलिए शुरू करते हैं। सामने मतलब उसी वॉल के पीछे टीपी पी लेता तब जैसे यहां पर मैं नेट फेंकता हूं बंदा ऊपर की तरफ चला जाता तो मैं भी नेट ऊपर ही फेंक देता हूं। डैमेज हुआ बंदे को तो भाई इससे पहले वो हील करे मैं सीधा पुश कर देता हूं। लेकिन ये वाला बंदा भी यहां पर आ जाता है तो इसे नॉक और फिनिश दोनों साथ ही साथ कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ ना भाई तीसरा बंदा छत के ऊपर ही होता है लेकिन भाई जैसे यहाँ पर मैं पुश करता हूँ बंदा नीचे की तरफ कूद के भाग लेता है तो भाई पकड़ते उसको कार्ड उठाकर आ जाते हैं तो बस देखो कैसे स्वागत करते हैं उन सभी बंदों का। फिलहाल यहाँ पर ये वाला बंदा अकेला होता है और बस देखो यहाँ पर और भाई ये वाला क्लच जिस जिसको बढ़िया लगा हो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मतलब जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग अपने भाई लोग को सब्सक्राइब करके देख रहे हो ज्यादा लेट करता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई दूर से तो कुछ होने वाला है नहीं तो मैं क्लोज इन कर देता हूँ और वहाँ पर मेरे पास चार चार ग्रेनेड होते हैं तो मैं सारे के सारे ग्रेनेड घर के अंदर फेंक देता हूँ। लेकिन भाई इस वाले ग्रेनेड से स्क्वाड वाइप नहीं होती, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिल जाता है मेरे को। तो बस देखो यहाँ पर Enemy down. और यहाँ पर भाई इस बंदे के साथ जो स्कैम हुआ है ना भाई मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है तो यहाँ पर मेरे को पता है इस बंदे को अभी कैसा लग रहा होगा मरने के बाद। तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ क्योंकि भाई मेरे साथ भी ये सारे स्कैम होते हैं।